फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि परमिट, अलाउ और लेट में क्या फर्क है, जबकि इन सभी का मतलब इजाजत देना या आज्ञा देना होती है। तो फिर हम कैसे समझें कि कब हमें परमिट का यूज करना है और कब अलाउ या लेट? तो आइए फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अलाउ, परमिट एंड लेट आर वर्ब्स दैट ऑल हैव अ सिमिलर मीनिंग। Give permission or make it possible for somebody to do something. Friends, allow, permit or let, इन सभी के मतलब एक ही होते हैं और इन सब का मीनिंग होता है कि किसी को कोई काम करने देना या किसी को कोई काम करने की परमिशन देना, यानी इजाजत देना या आज्ञा या अनुमति देना। लेकिन allow, permit और let के बीच में कुछ differences हैं जो आपको जानना होगा, तो आइए सीखें वो क्या differences हैं। Friends, and allow is more formal than let. Friends, allow के comparison में permit ज़्यादा formal होती है और let के compare में allow ज़्यादा formal होती है। यानी friends, सबसे ज़्यादा formal word permit, उसके बाद allow, उसके बाद let। यानी आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि permit और allow formal हैं और let informal word है। Permit allow means someone to do something, किसी को कोई काम करने देना। Examples: They permit their workers to wear jeans. वे अपने workers को jeans पहनने की अनुमति देते हैं या jeans पहनने की इजाजत देते हैं। Friends, अगर लिखा हो They don't permit their workers to wear jeans, तो इसका मतलब हुआ कि वे अपने workers को jeans पहनने का इजाजत नहीं देते हैं या आज्ञा अनुमति नहीं देते हैं, यानी permission नहीं देते हैं। तो friends, permit या allow means someone to do something, किसी को कोई काम करने देना। They don't allow children to go to pub, वे लोग बच्चों को pub यानी शराब खाना जाने की इजाजत नहीं देते हैं या वहाँ जाने की आज्ञा या अनुमति नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने सीखा कि परमिट और अलाउ का यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि किसी को कोई काम करने देना। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अलाउ मी टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने की आज्ञा दो। She does not permit to eat fast food, वह फास्ट फूड खाने की परमिट नहीं देती है, यानी इजाजत नहीं देती है। My father will not allow me to go to movie, यानी मेरे डैड मूवी देखने जाने के लिए इजाजत नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे, परमिशन नहीं देंगे, यानी आज्ञा नहीं देंगे। Who allowed you to do this, तुम्हें यह करने की इजाजत किसने दिया या तुम्हें यह करने की आज्ञा किसने दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने यह सीखा कि परमिट अलाउ मीन्स समवन टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने देना। आइए फ्रेंड्स अब लेट के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, लेट का भी यूज किसी को कुछ करने देने के लिए करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स परमिट और अलाउ के यूज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लेट में नहीं है। जैसे जब हम इजाजत देने के लिए परमिट या अलाउ का यूज करते हैं तो उस सेंटेंस में आने वाले वर्ब के पहले टू लिखा होता है, यानी इन्फिनिटिव होता है। यहाँ लिखा हुआ है अलाउ मी टू गो टू स्कूल, यानी यहाँ पर गो के पहले टू लिखा हुआ है। शी डज नॉट परमिट टू ईट, यहाँ पर वर्ब के पहले टू लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, परमिट और अलाउ के यूज में वर्ब के पहले टू देना चाहिए, लेकिन अगर हम बात लेट की करें तो लेट के यूज में वर्ब के पहले टू नहीं होना चाहिए, और इस चीज को हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू। तो फ्रेंड्स, आप ये बात खास कर याद रखेंगे कि अगर आपके सेंटेंसेस लेट से है तो वर्ब के पहले टू नहीं लिखना है, और अगर आपने परमिट या अलाउ का यूज किया है तो आप वर्ब के पहले टू जरूर लिखें। एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। लेट मी गो, मुझे जाने दें। फ्रेंड्स, अगर आप कहेंगे लेट मी टू गो तो ऐसा कहना गलत होगा। लेट मी स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने दो। लेट हर वर्क, उसे काम करने दो। लेट मी पे फॉर मील, मुझे खाने का बिल भरने दो या मुझे खाने के पैसे देने दो। तो फ्रेंड्स, आपने इन सेंटेंसेस में सीखा कि किसी से कोई काम कहा जा रहा है कि यह काम करने दो या यह काम होने दो। तो लेट का यूज हम किसी काम को करने देना या किसी काम को होने देने के सेंस में करते हैं, और सिर्फ लेट ही नहीं बल्कि परमिट, अलाउ और लेट तीनों का यूज किसी काम को होने देना या किसी को कोई काम करने देना के लिए करते हैं। आइए फ्रेंड्स अब यहाँ कुछ खास बात जान लेते हैं जहाँ लर्नर अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं। फ्रेंड्स, पैसोवाइज, वी ऑफन यूज पैसो विद परमिट एंड अलाउ। फ्रेंड्स, पैसोवाइज में हमेशा परमिट और अलाउ का यूज होता है। डोंट यूज द पैसो विद लेट, लेट का यूज आप पैसो में ना करें।
Example, you are not allowed to put poster on the walls. आपको walls पर poster रखने की इजाज़त नहीं दी जाती है. तो friends, ये पैसों के sentence है और यहाँ पर allowed का use हुई है. You are not permitted to put poster on the walls. यानी इस same sentence को आप permit से भी बोल सकते हैं. लेकिन friends, ऐसा कहना सरासर गलत होगा. You are not let to put posters on the walls. यानी allowed की जगह पर आप permit लिख सकते हैं. लेकिन इन दोनों के जगह पर आप लेट का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में इजाज़त देना या किसी को कोई काम करने देना, इस सेंस में हम लेट का यूज़ नहीं करते हैं. लेट की जगह पर हम अलाउड या परमिटेड का यूज़ करते हैं. तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह कॉन्सेप्ट शानदार तरीके से समझ में आया होगा. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलना. फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय.